वेलकम बैक। आज जिस वीडियो को बनाने के लिए आया हूं वो वीडियो किसी का जवाब है। जवाब किस चीज का है? इससे पहले दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि प्री वर्कआउट के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज द प्री बेस्ट प्री वर्कआउट विच यू कैन हैव एट होम। अब वो वीडियो मैंने रात में 1 बजे बना रहा था और प्री वर्कआउट लिया था और मैंने रात में वर्कआउट कर रहा था, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप इतनी रात में वर्कआउट करना सही है या वर्कआउट का सही वक्त क्या है। तो मैंने सोचा ये वीडियो ही बना दूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी का जो लॉकडाउन का समय चालू है या हमारे बिजनेस का, स्पेशली जो मेरे फिटनेस के ब्रांचेस है, उसका अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है, तो हम सभी लोग घरों में हैं, पहली चीज। दूसरी चीज वर्कआउट, देखिए आऊंगा वर्कआउट का सबसे सही वक्त क्या है और क्यों, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सब बताने वाला हूं, तो डोंट वरी। सो मैं वर्कआउट जो है, मैं बिजी रहता हूँ क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस बनाते रहता हूँ और एक्सरसाइज जो है ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे रेगुलरली इवनिंग में मिलती है, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी मैं लेथार्जिक, लेजी फील करने लगता हूँ, थोड़ा सा आलसी हो गया आजकल, तो एनीवेज, सो इस वजह से मैं वर्कआउट का जो भी टाइम शेड्यूल मुझे मिलता है मैं वो मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि बिजी होने की वजह से। उसी तरह अगर आप लोग, अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, हम लोग मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज में, कोलकाता या ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप वर्कआउट को कोई भी वक्त पे कर सकते हैं। बैंगलोर में रहते हैं या इंदौर में रहते हैं या बड़े कोई भी सिटीज में जो आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जब आपको किसी भी वजह से टाइम नहीं मिल पाता अपना योगा करने, एरोबिक्स करने या जिम जाने के लिए, तो आप शाम में भी जा सकते हैं या इवनिंग में, लेट इवनिंग भी जा सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो कुछ नहीं करने से, अब कुछ लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, देखिए आप लोग जो कुछ वीडियोस देख रहे हैं ना, हो सकता है वो भी रात में वर्कआउट करते हो, क्यों? क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, या आप वर्क करते हैं या स्टडीज करते हैं या आप कोई काम करते हैं, जिस वजह से आपको सुबह या शाम के वक्त टाइम नहीं मिल पाता, तो आप रात में करते हैं, दैट इज गुड। बट द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंस एंड आयुर्वेदा, द वर्कआउट शुड बी डन इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, एकदम मेंटली भी फ्रेश होते हैं, एट द सेम टाइम आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। और तीसरी चीज जो वर्कआउट, आप देखिए दो चीजें मैंने बता दी कि फ्रेश फील होते हैं, मेंटली फ्रेश फील होते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं क्योंकि आपकी नींद पूरी होती है। पर तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, जो लोग स्पेशली पतला होना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि आपका जो BMR है, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, मैंने कहा था आयुर्वेदा और साइंस दोनों के कंबाइन के साथ बताऊंगा, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रिसर्च बोलता है कि आप अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करते तो आप ज्यादा कैलोरीज डे टू डे बर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका BMR चार्ज हो गया पूरे दिन के लिए जब तक आप नेक्स्ट टाइम सोते नहीं है, तो मॉर्निंग में वर्कआउट करना इसलिए बेटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ इवनिंग। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको दोपहर में टाइम मिलता है, अगर आपको शाम में वक्त मिलता है, आप कोई भी वक्त वर्कआउट कर सकते हैं। जस्ट अपने शेड्यूल को और अपनी डाइट को उस अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। अगर आपको मेरा नॉलेज समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए जिन लोगों को कंफ्यूजन है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे जाके कमेंट में पूछिए, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर करना मत भूलिए जिनसे आप प्यार करते हैं। और दूसरों के साथ शेयर करने के साथ साथ अपने आप से प्यार करना, और अपने आप से प्यार करने के साथ में अपने देश से भी प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।